उत्तराखंड की टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के रेस्क्यू में जब विदेशी इंजीनियर जवाब दे चुके थे और उनकी मशीनें जवाब दे चुकी थी, वो कहने लगे थे कि इसमें तो कम से कम क्रिसमस तक का टाइम लग जाएगा और हमको वापस भी जाना है। ऐसे वक्त में इंडिया के अपने रेट माइनर की तकनीक जो बैन है क्योंकि इसमें जान का जोखिम होता है, वो आए और ख़ास करके दो शख्स जो कि आगे आगे खुदाई कर रहे थे अपनी जान की परवाह किए बिना, क्योंकि उनका एम क्लियर था कि उन्हें 41 अपने भाइयों को निकालना। उनके नाम थे वकील खान और मुन्ना कुरैशी। ये दो शख्स सबसे आगे आगे सारा रिस्की काम कर रहे थे, पत्थरों को हटा रहे थे, ऊपर से पत्थर गिरने का डर था, लेकिन ये अपने काम में इतने मग्न हो चुके थे कि इनको एक ही चीज़ दिख रही थी, अपने 41 भाई। और इन्होंने कह दिया था कि अपने 41 भाइयों को तो निकाल के ही दम लेंगे, जो काम मशीन नहीं कर सकती वो हम करके दिखाएंगे। और आखिर में जिस रेस्क्यू की विदेशी इंजीनियर उम्मीद लगा रहे थे कि नवंबर तो पूरा ही चला जाएगा, वो आखिरकार 28 नवंबर को ये रेस्क्यू हो गया, और वो भी ऐसे वक्त में जब मशीनों ने जवाब दे दिया था अपने राइट माइनर काम आए, और ख़ास करके दो शख्स मुन्ना खान और वकील कुरैशी।